नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी यू स्पोर्ट। बात करेंगे नेक्स्ट बीबीएल गेम की। अगला मैच खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। दूसरी बार दोनों टीम आमने सामने आएंगी इस टूर्नामेंट में और पहली बार रेनेगेड्स टॉप पर रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों टीम्स के मैच डे स्क्वाड्स। ब्रिस्बेन हीट की अगर हम बात करें तो दो बिग एडिशन्स हुए हैं, माइकल नीसर टेस्ट मैच की ड्यूटी से वापस आते हुए और दूसरे हैं रेनशॉ, दोनों ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स के स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अब चलते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। जब ये दोनों टीम्स ने साथ में खेला, दोनों टीम्स 18 मैचेस खेल चुकी है, जहां मेलबर्न रेनेगेड्स ने 12 मैचेस जीते हैं और ब्रिस्बेन हीट ने केवल 6। नेक्स्ट अप इज वेन्यू एनालिसिस। ये मैच खेला जाएगा साइमन स्टेडियम जिलोंग में। यहां बैटिंग फर्स्ट या सेकंड करते हुए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 155 का। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न बाय फेसेस देखें तो डेथ ओवर्स में बोलिंग करना मुश्किल हो रहा है इस वेन्यू पर, जैसे कि आप रन रेट से देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों इस ग्राउंड पर बोलिंग की। पेस वर्सेज स्पिन में पेसर्स को ज्यादा मदद मिली है, जहां उनका स्ट्राइक रेट रहा है 17.2 का। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बाय बॉलर टाइप की, जैसे हमने ऊपर बोला कि राइट आर्म पेसर्स और लेफ्ट आर्म पेसर्स दोनों ने ही ज्यादा डोमिनेट किया है। अब चलते हैं टॉप परफॉर्मर्स की तरफ, जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई। पहले टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में है एरन फिंच। लास्ट गेम में एक मैच विनिंग स्कोर बनाया था, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ होगा। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो इन्होंने 12 इनिंग्स में 474 रन बनाए हैं, जिसमें 550 भी शामिल है। अगले टॉप परफॉर्मर है केन रिचर्डसन, एक सीजन कैंपेनर। विकेट अभी तक नहीं मिल पाई है, बट इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इन्होंने 11 इनिंग्स में 13 विकेट्स लिए हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 18.3 का। अब बात करेंगे मार्क स्टेकटी की। इन्होंने 7 इनिंग्स में 10 विकेट्स लिए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 16.4। अगले टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में है कॉलिन मुनरो, एक हार्ड हिटर है और शायद रेनशॉ के वापस आ जाने पर इस गेम में हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते। एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर भी है, टीम को अच्छी स्टार्ट देने की जरूर कोशिश करेंगे। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो इन्होंने 5 इनिंग्स में 165 रन बनाए हैं, जिसमें 250 भी मार चुके हैं। अब बात करेंगे हम टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पर। पहले है मेलबर्न रेनेगेड्स से सैम हार्पर। इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखे तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफी अच्छा रहा है, जहां इन्होंने 2 इनिंग्स में 112 रन बनाए हैं और एवरेज रहा है 56 का। थोड़े से हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं, बट अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हैं। दूसरे टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे हमारे रहेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से एरन फिंच। इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड देखे तो बैटिंग सेकंड करते हुए इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जहां इन्होंने 30 की एवरेज से 3 इनिंग्स में 91 रन बनाए हैं। अब बात करेंगे टॉप पिक्स फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट से। पहले आते हैं मैट रेनशॉ। रेनशॉ के आने से ब्रिस्बेन हीट का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते हुए दिखेगा। नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और एक हैंडी स्पिनर का रोल भी निभा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाल ही में इनका वनडे रिकॉर्ड भी बढ़िया रहा है। लास्ट 7 हेड टू हेड गेम्स में 163 रन स्कोर कर चुके हैं। अगले टॉपिक रहेंगे कॉलिन मुनरो। इनका इस साल T20s में रिकॉर्ड देखे थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 19 इनिंग्स में 522 रन बना चुके हैं, जहां 250 शामिल है। बैटिंग सेकंड करते हुए 19 इनिंग्स में 487 रन बना चुके हैं, जहां 350 मार चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्क स्टेकटी। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम बात कर चुके हैं और जैसे कि हमने बोला कि राइट आर्म मीडियम पेसर्स इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये उसे एक एडवांटेज की तरह जरूर यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक इज माइकल नीसर। बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ में बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को ज्यादा रूम नहीं देते, रिसेंटली टेस्ट मैच में भी अच्छी रिदम में दिखे हैं और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉप पिक्स फ्रॉम मेलबर्न रेनेगेड्स। पहले आते हैं एरन फिंच। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर चुके हैं और इनका T20s में इस साल रिकॉर्ड देखे तो वही बैटिंग सेकंड करते हुए इन्होंने 38 की एवरेज से 850 मारे हैं। सेम नंबर्स इनके इस वेन्यू पर भी ऊपर दिखे हैं, तो बैटिंग सेकंड करते हुए एक बढ़िया पिक साबित हो सकते हैं। अगले टॉप पिक रहेंगे निक मार्टिनसन। कैप्टन है साइड के और लास्ट 2 मैचेस में अच्छे स्कोर्स बना चुके हैं। अब तो दोस्तों ये प्लेयर टू अवॉइड नहीं, मस्ट हैव पिक हो जाते हैं हमारी टीम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे केन रिचर्डसन की। इनका इस साल T20s में रिकॉर्ड देखे तो बॉलिंग पहले करते हुए 13 इनिंग्स में 26 विकेट्स चटका चुके हैं और स्ट्राइक रेट रहा है केवल 11.2 का। बॉलिंग सेकंड करते हुए 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स लिए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 16.4। अगले टॉप पिक रहेंगे एंड्रे रसल। इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पहले 2 गेमों में अच्छा परफॉर्म किया है। इनका T20s का इस साल का रिकॉर्ड देखे तो बैटिंग करते हुए 34 इनिंग्स में 250 मार चुके हैं और बॉलिंग करते हुए 35 इनिंग्स में 37 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट टॉपिक रहेंगे अकील हुसैन। इस सीजन बहुत अच्छे एडिशन हुए हैं इस टीम के लिए, दोनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। इस मैच में भी उम्मीद करेंगे विकेट निकाल पाए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल T20s में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों डिफरेंशियल पिक की। पहले डिफरेंशियल पिक है ब्रिस्बेन हीट से सैम बिलिंग्स। बिग बैश में इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, हीट के लिए डेब्यू कर रहे हैं इस सीजन में, ऑल्दो लास्ट गेम इतना खास नहीं रहा था। अगर हीट को एक बड़ा टोटल बनाना है तो इनका मिडिल ऑर्डर में चलना काफी जरूरी है। दूसरे टॉपिक रहेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से जोनाथन वेल्स। सीजन नहीं अच्छा जा रहा है अभी तक, बट बीबीएल में इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है। इन्होंने लास्ट वार्म अप गेम में स्टार्स के अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी थी, जैसे आप इनके T20 रिकॉर्ड में देख सकते हैं।
बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं जहां इन्होंने 64 की एवरेज से रन बनाए हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लेयर टू अवॉइड एज अ कैप्टन। पहले आते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स से निक मार्टिनसन। इनके मैचअप नंबर्स अगर हम देखें तो स्वेप्सन इन्हें 5 इनिंग्स में 3 बारी आउट कर चुके हैं, कुनेमान इन्हें 1 इनिंग्स में 1 बारी आउट कर चुके हैं, वही नीसर इन्हें 2 इनिंग्स में केवल 3 बॉलों में 1 बारी आउट कर चुके हैं। दूसरी हम बात करेंगे कॉलिन मुनरो की, जो कि ब्रिस्बेन हीट से हैं। इनकी भी अगर हम मैचअप नंबर्स देखें तो रिचर्डसन इन्हें 7 इनिंग्स में 2 बारी आउट कर चुके हैं, रसल 8 इनिंग्स में 2 बारी आउट कर चुके हैं, मुजीब ने 6 इनिंग्स में 2 बारी इनका विकेट निकाला है, और वहीं अकील ने 3 इनिंग्स में 1 बारी इन्हें आउट करके परेशान कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेफ कैप्टनसी की। हम रेकमेंड करेंगे ब्रिस्बेन हीट से मार्क स्टेकेटी को और मेलबर्न रेनेगेड से केन रिचर्डसन को। दोनों में से जो पहले बॉलिंग करेगा उनको आप अपना कैप्टन बना सकते। तीसरे पिक हमारे रहेंगे एंड्रे रसल। इन्हें तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिंग्स अपनी टीम का कैप्टन बना ही सकते हैं। अब है डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स। मेलबर्न रेनेगेड से हम रेकमेंड करेंगे अकील हुसैन को और वहीं ब्रिस्बेन हीट से रेकमेंड करेंगे मैट रेंशो। आज की प्रीव्यू में इतना ही दोस्तों। इसी तरह से अगर और गेम्स के फैंटेसी टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, ट्रिविया चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो वीयू स्पोर्ट। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।